आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना एक बहुत ही आम बात हो गई है। चाहे कुछ सामान मंगवाना हो या हमें खाना मंगवाना हो, इसी वजह से कोई ना कोई डिलीवरी बॉय हमारे दरवाजे पे आए दिन खड़ा ही मिलता है। लेकिन क्या हो अगर वो डिलीवरी बॉय जबरदस्ती आपके घर में घुस जाए और वहां से जाए ना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रणविजय और आज वेब सीरीज हम रिव्यू करेंगे मेरी प्यारी निक। पांच एपिसोड्स की इस वेब सीरीज में सिर्फ दो ही कैरेक्टर मेन हैं, राजीव सिंह और अंजू जाधव। राजीव सिंह जो इस वेब सीरीज के डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं। राजीव सिंह ने इसमें एक्टिंग भी की है जो कि मेन लीड में है। राजीव सिंह ही इसमें जो डिलीवरी बॉय का कैरेक्टर है वो करते हैं। एक दिन एक डिलीवरी बॉय जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाता है। उसके बाद उस घर में और उन दो कैरेक्टर के बीच में क्या क्या होता है, यही इस वेब सीरीज में बताने का प्रयास किया गया है। वेब सीरीज की कहानी बहुत ज्यादा संक्षेप में मैं आपको बता ही नहीं सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा उसमें। इसलिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक मान लीजिए आपके घर पे कोई डिलीवरी बॉय आ गया है और वो आपके घर से जाने का नाम ही नहीं लेता, और वो ना तो आपको ये समझ में आता है कि उसके डिमांड्स क्या है, वो चाहता क्या है। और इसी तरह से जो डायरेक्टर है उसने पांच एपिसोड्स की इस वेब सीरीज में आपको बांधने का काम किया है। वेब सीरीज जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बनाई गई है। इसका कोई बहुत बड़ा बजट या इस तरह की कोई चीज नहीं है। बहुत आपको जाने पहचाने चेहरे इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, बट इसके बावजूद मैं कहूंगा कि वेब सीरीज में जो डायरेक्टर और राइटर ने जो कोशिश की है इस वेब सीरीज को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बनाने की और आपको एक थोड़ी डिफरेंट स्टोरी देने की, वो मुझे लगता है कि इस जो उनकी जो कोशिश है इसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं। अगर बात करें परफॉर्मेंसेस की तो इसमें दो ही मेन करेक्टर हैं। एक है जिसका एक अंजू जाधव है जो इसमें जो फीमेल मेन लीड है, और जो मेल मेन लीड है वो है राजीव सिंह, जिन्होंने इसकी स्टोरी भी लिखी है और इसको डायरेक्ट भी किया है, एडिटिंग भी उन्होंने ही की है। कई मौके पे आपको ये यकीन हो जाता है कि ये दोनों ही एक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। कई मौके पर कई ऐसे सीन्स हैं इस पूरी वेब सीरीज में जहाँ पे दोनों ही एक्टर्स को खुद को एक्सप्लोर करने का मौका मिला है, और इसी वजह से कई सीन्स में आपको लगेगा कि दोनों एक्टर जो हैं अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। राजीव सिंह ने कई ऐसे सीन हैं जिसमें उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस, और कुछ सीन ऐसे हैं जो कि पोस्ट कॉमेडी तो नहीं कह मैं नहीं कहूँगा, बट कॉमिकल हो जाते हैं अपने आप ही वो राजीव सिंह की एक्टिंग की वजह से। इसके अलावा जो फीमेल लीड है अंजू जाधव, उन्होंने भी कई सीन में जो डरने के सीन है या कई सीन में उनको थोड़ा करेजियस दिखाने की जो कोशिश की है उनमें वो इम्पैक्टफुल लगी है। ये वेब सीरीज जो है पांच एपिसोड्स की है, एमएक्स प्लेयर पे फ्री है, तो आप लोग अगर चाहें तो इस वेब सीरीज को देख सकते हैं। इस वेब सीरीज में लास्ट में एक जो सस्पेंस है वो लास्ट में ही खुलता है, और आप वेब सीरीज देखते वक्त आपके जितने सवालों के जवाब होते हैं वो आपको इसके लास्ट एपिसोड में जाके मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो ये वेब सीरीज देख सकते हैं। मुझे ये वेब सीरीज ठीक लगी इसलिए मैंने देखी, और मुझे लगता है इस तरह के जो जो अच्छे जो राइटर्स हैं डायरेक्टर हैं वो जो कोशिश कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरह की वेब सीरीज को भी सपोर्ट करना जरूरी है। तो आप लोग जाइए इस वेब सीरीज को देखिए, ये फ्री है एमएक्स प्लेयर पे। 5 एपिसोड्स हैं आधे आधे घंटे के, तो बहुत ज़्यादा ये आपका टाइम नहीं लेगी, आप जल्दी ही इस वेब सीरीज को ख़त्म कर सकते हैं। और देखने के बाद ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।